नमस्कार मुझे संजय कुमार दास ओडिशा कटक रु कहि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कि दिन आगे गोटे वीडियो पकईली थिला इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत राष्ट्रपति निर्वाचन केमती हम से विषय गोटे वीडियो पड़ा आज ये वीडियो पकाऊँ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स भारत जो राष्ट्र मुख्य हो राष्ट्रपति जहाँ को हेड ऑफ द स्टेट बोल कहुए भारत गोटे स्टेट बोल मन रख पॉलिटिकल साइंस रे इंडिया इज ए स्टेट बुझी तमें सी होती हेड ऑफ द स्टेट तांकर पावर कौन तांकर क्षमता कौन एवं से क्षमता टा किमती कार्यकारी हुए फंक्शंस हुए अच्छा देखिए तांकर सातरा पावर अच्छी या भिन्न भी अन्य पावर अच्छी किंतु मेनली बा मुख्यतः कहले सातरा पावर अच्छी एग्जीक्यूटिव पावर लेजिस्लेटिव पावर फाइनेंशियल पावर जुडिशियल पावर डिप्लोमेटिक पावर मिलिटरी पावर एंड इमरजेंसी पावर मतलब बुझी तुम आस देखिए एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूटिव पावर टा कौन तक ना ये भारत वर्ष रे केन्द्र अधीन रे आम सरकार केन्द्र सरकार अधीन रे जिते प्रकार कार्यकलाप हुए ये राष्ट्रपति ना रे हुए फॉर्मली टेकन हिज नेम राष्ट्रपति ना रे ही हुए आ कौन हुए से आम प्राइम मिनिस्टर एवं अदर मिनिस्टर मानू सी अपॉइंटमेंट दिंती किए राष्ट्रपति दिंती राष्ट्रपति जिते दिन पर्यंत चाहिए ए मिनिस्टर माने तांको पदवी रे रही पारिबे जत्ते पंत राष्ट्रपति चाहिबे से पे लिखा जाय छी दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर माने प्रेसिडेंट्स प्लेजर बुझियो छी तबरे जे से कोन करन दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आउ तांकर तांको से निर्वाचित करन दी बाछंती तांकर दरमा से केतने बे से कथा भी राष्ट्रपति स्थिर करन दी आउ जो अटॉर्नी जनरल जत्ते पर्यंत प्रेसिडेंट चाहिबे अटॉर्नी जनरल रही पारिबे तांको पद रे जेबे प्रेसिडेंट न चाहिए अटॉर्नी जनरल पदवी में रही पारे ना तो मैंने अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी सी बाहर भी करदे पारे से राष्ट्रपति आपर ना आम जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो अच्छा आमर जो चीफ इलेक्शन कमिशनर आउ जो अदर इलेक्शन कमिशनर अंडर रहती आउ यूपीएससी जो आम चेयरपर्सन चेयरमैन अच्छा आउ किए ना स्टेट मानक जो गवर्नर सब अच्छा आउ होती फाइनेंस कमिशनर मेम्बर्स मैंने चेयरमैन एमती भी अन्न्य किसी अच्छी जो थी सी ए पद गुड़ाक आपइंटिंग आपइंट दिंती पदर जो मेम्बर मैंने रहती राष्ट्रपति आपइंट दिंती आउ गोटे कथा मन रख सी आमर जो स्टेट अच्छी यूनियन अच्छी ही कैन सी एनी इनफर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स तो मैंने कौन कौन से यूनियन आम जो यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी पाखु इनफर्मेशन नहीं पारे कि राष्ट्रपति आउ प्राइम मिनिस्टर को प्रपोज करेंगे ये जिनसा लेजिस्लेसन डिस्कसन हो लेजिस्लेसन को कथा गुड़ाक जाऊ ये आर्टिकल 78 रे अच्छी बुझी सी आउ कौन करेंगे जो हि कैन रिक्वयर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट प्राइम मिनिस्टर को से सबमिट करने को कहीपरेंगे कौन ना काउनसिल ऑफ मिनिस्टर मानकर कन्सीडरेसन एनी मैटर ऑन व्हिच ए डिसीजन हैज बीन टेकन बाय ए मिनिस्टर मन कर काउनसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन नियानी को मिनिस्टर मानक जनीय मिनिस्टर गोटे बिलटार डिसीजन नहीं कि आई जगह राष्ट्रपति चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कहीपरिवे काउनसिल ऑफ मिनिस्टर बिलटा को कनसीडर कराऊ बुझी जोटा कि आगु काउनसिल ऑफ मिनिस्टर कनसीडर कर गोटे पॉइंट कौन कौन आमर जो एससी मैंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बुझी आंकर जो कमिशन गुड़ाकर जो संस्था अच्छी तार जो कमिशन बैकवर्ड क्लास तार जो कमिशन आंकर सब समस्त निजुक्ति प्रेसिडेंट ही करती बुझी से कौन करती इंटरस्टेट काउनसिल जो इंटरस्टेट काउनसिल कहीं तैयारी ना स्टेट स्टेट भितर इंटरस्टेट काउनसिल सेंटर स्टेट भितर सेंटर स्टेट कोऑपरेशन तमें सीधा कथा कह कथा केन्द्र आ राज्य सरकार एवं राज्य राज्य सरकार गोटे भल संबंध सृष्टि आर्टिकल 263 रे प्रेसिडेंट को से क्षमता दि जाइए राष्ट्रपति को से क्षमता दि जाइए सी मानू कौन ये आम जो इंटरस्टेट काउनसिल काउनसिल को प्रमोट करें बुझिपार्च तार अध्यक्ष मान आपइंट करेंगे राष्ट्रपति आउ कौन ना आम जो यूनियन टेरिटोरी अच्छी थ्रो दि एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड बाय हिम तमें सी कौन डायरेक्टली राष्ट्रपति जी डायरेक्टली सी कौन करती ना यूनियन टेरिटोरीज को एडमिनिस्टर करती मानने शासन करपारती कि राष्ट्रपति किमिती ना से जो यूनियन टेरिटोरी अच्छी से जो
लेफ्टनेंट गवर्नर माने अछंती बस तांकू आमे जो कहू छु एडमिनिस्ट्रेटर्स तांको द्वारा ही अपॉइंट होंती एडमिनिस्ट्रेटर्स माने बुझियो छ तब राउट पॉइंट कहू छु हमर जो राष्ट्रपति माने कर गुटे सिडल एरिया गुटे निर्दिष्ट एरिया को राष्ट्रपति चाहिले हे ताकू से निजे एडमिनिस्ट्रेशन रे चलेई पारिबे निजे एडमिनिस्ट्रेशन रे बा निजे पावर रे से ताकू चलेई पारिबे बुझियो छ आउ देखो ना ट्राइबल एरिया सब सिडल माने हमर जो आउ विभिन्न एरिया आछ से एरिया कोन करंती राष्ट्रपति निजे निजर नियम कानून द्वारा ताकू चलेई पारिबे एकता राष्ट्रपति को क्षमता दिया जाय छ बुझियो छ तबरे छ लेजिस्लेटिव पावर कोन इट इज इंटीग्रल माने हमर जो प्रेसिडेंट होचंती संसदर मुख्य अंश हमर जो पार्लियामेंट कहले हम कोन बुझिबा लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति आगे राष्ट्रपति तापर लोकसभा राज्यसभा ता माने कोन हेगला प्रेसिडेंट होचंती पार्लियामेंट रो उडे इंपोर्टेंट पार्ट एवं से इ तळ लिखित लेजिस्लेटिव पावर ता दिया आछि ताको डिस्कशन करबा प्रथम पॉइंट रे कहू छी से पार्लियामेंट को डाकरा दे परबे पार्लियामेंट जो अधिवेशन बसिबो से ताको समान करिवे प्रयोग करिवे माने ताको भांगी दे परिवे हे लोकसभा को जे डिजॉल्व करि परिवे लोकसभा को जे भांगी दे परिवे बुझियो छी दरकार पड़ले गुटे बिल माने कर लोकसभा रे जाई कि राज्यसभा रे अटकी छी कि राज्य आसी कि लोकसभा रे अटकी छी बिल रो पब्लिक इंपोर्टेंस अछि से जगह रे प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा को दीटा हाउस को समन करि परिवे हे एवं गुटे जॉइंट सिटिंग बसेई परिवे किंतु इ मने रखिबो ए जॉइंट सिटिंग रे अध्यक्ष हेबे स्पीकर जे लोकसभा रो जो हमर स्पीकर अछंती सीए एटा हमर आर्टिकल 108 रे अछि बुझियो छी आउ गुटे मन रखिबो से पार्लियामेंट को जो पार्लियामेंट रो माने कर गुटे इलेक्शन हला परे नुवा मंत्रिमंडल हला पार्लियामेंट आरंभ हबो से इलेक्शन पर जो फर्स्ट सेशन पार्लियामेंट रो हबो सेटा को राष्ट्रपति एड्रेस करिवे एटा गुटे कथा मन रखियो आ गुटे मन कथा मन रखिबो सब वर्ष जो 3 दिन दा अधिवेशन हुए प्रथम अधिवेशन जोटा हबो फर्स्ट सेशन गुटे वर्ष रो सेटा को भी प्रेसिडेंट एड्रेस करिवे एकदम मन रखिबो ए तबरे जीवा से पार्लियामेंट को मेसेज पठाई परिवे कि राष्ट्रपति काई पठाई परिवे जे यदि कोनोसी बिल पेंडिंग है कि पड़ी छी लोकसभा रे कि राज्यसभा रे से बिल रो पब्लिक इंपोर्टेंस अछि से जगह रे राष्ट्रपति मेसेज करि परिवे से बिल को डिस्कशन करा जाउ बुझियौ छी तब रे आ कोन हे परिवो जे हि कि अपन एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा टू प्रिजाइड ओवर द प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ द बोथ द स्पीकर एंड द डेप्युटी स्पीकर विल बी वैकेंट तब स्पीकर नांती डेप्युटी स्पीकर नांती लोकसभा रे सेमति राज्यसभा रे चेयरमैन नांती वाइस चेयरमैन नांती से जगह रे राष्ट्रपति लोकसभा रे राज्यसभा रे हां तांकरी मेंबर मानन को बाची की राज्यसभा रे चेयरमैन करि परिबे लोकसभा रे स्पीकर बोली की करि परिबे जदी स्पीकर डेप्युटी स्पीकर लोकसभा रे आ चेयरमैन डेप्युटी चेयरमैन राज्यसभा रे एब्सेंट थांती तो आउटे कथा कोन ना से 12 जन मेंबर को राज्यसभा रे 12 जन मेंबर को से नॉमिनेट करंदी बाछंती के राष्ट्रपति तांक कोथिबे बाछंती ना जो माननकर स्वतंत्र ज्ञान अछि कोथिरे लिटरेचर साहित्य विज्ञान कला आ सामाजिक कार्यक्रम रे बुझियौ छ कथा डाको तबरे आ कोन अछि तांकर पावर जे गुटे पार्लियामेंट रे जो मेंबर ताको डिस्क्वालिफाई से सबज किछ गुटे नियम कानून बाघात करू छी ताको डिस्क्वालिफाई करा जइबो त ई कथाटा प्रेसिडेंट डिसाइड करिवे बुझि परछ गुटे पार्लियामेंट रे मेंबर डिस्क्वालिफाई हेबो आकु प्रेसिडेंट डिसाइड करि परिवे बुझियौ छी किंतु इलेक्शन कमिशन को पचारि छी मन रखियो कथाटा को बाजी कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमिशनर बुझियौ छी आउ कथा मन रखियो माने कर इमिति किछ सर्टन टाइप ऑफ बिल अछि निर्दिष्ट केते प्रकार रो बिल अछि से बिल गुडा जदि आगत करिबा ता आगु राष्ट्रपतिंकर ता आगुरु परे नो ता आगुरु से बिल आसीबा आगुरु राष्ट्रपतिंकर रेकमेंडेशन दरकार माने कर गुडा कथा गुडा बिल एडी अछि गुडा एग्जांपल लिहाइ छि ए बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इंडिया रो जो कंसोलिडेटेड फंड सब टंका सहीटी अछि बुझि अछि आर्टिकल 266 रे अछि जो बिल रे एक्सपेंडिचर अछि और ए बिल फॉर द अल्टरनेशन और बाउंड्रीज ऑफ स्टेट स्टेट रो बाउंड्रीज को माने परिवर्तन करिवा माने कर हमर उत्तर प्रदेश रो भांगी गला के उत्तराखंड गला और क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट बट ए नुवा स्टेट क्रिएशन करिवा किनो माने रखिबो ए कथाटा आर्टिकल ऑफ ए न्यू क्रिएशन स्टेट आ फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट ए दिदरे अलग क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हले एटा आर्टिकल 2 हो जदी क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट हबो एटा आर्टिकल 3 हबो एटा इंपोर्टेंट कथा मन रखिबो त माने ई जो काम गुडा कहिल तमकु से जो नुआ स्टेट तैयारी करवा तर बाउंडरी कहाँ रखुचवा ये सब जो जिन पार्लियामेंट जो आम जो एक्सपेंडिचर होंगे कनसल्टेटेड फंड जो खर्च अच्छी
ये सबु जिनस करबा आगुरु राष्ट्रपतिंकर रेकमेंडेशन रा आवश्यकता अछि बुझि होछि तबरे सिवा उडे बिल मनेकर पास हला स्टेट लेजिस्लेचर रे स्टेट लेजिस्लेचर रे मनेकर उडे बिल पास हला कोन स्टेट रे भी हो ए किंतु सबले मन रखिबो जे कोनसी बिल भी हो राज्यपाल तक आसन दे देले बिलटा पास हेगला किंतु सबु बिल क्षेत्र रे प्रेसिडेंट कंसीडरेशन देई पारिबे किंतु दियंती नै सबु बिल रे राज्यपाल जो बिल ताको रो इंपोर्टेंस बा गुरुत्व भावंती जे प्रेसिडेंट पा पाकु पठेबा जरूरी से बिल ताको राज्यपाल पठांती न राज्यपाल निजे आसन दियंती बुझी होची तबरे आसीबे ही कैन प्रमुलगेट ऑर्डिनेंस से ऑर्डिनेंस लाग करिबे ऑर्डिनेंस अर्थ होची कोन माने कर आज सेशन नै तीनटा सेशन हुए सेशन सेशन भीतर जो गैप माने कर से गैप रे सेशन चालू नै बा हमर अधिवेशन बसी नै लोकसभा राज्यसभा रे सेही वेला क्षेत्र रे जदि पब्लिक इंपोर्टेंस पई गुडा बिल बा गुडा किछि नियम कानून तयारी करबा पडिला से जगा रे डायरेक्टली हम कैबिनेट मिनिस्टर राष्ट्रपति के बिल ता दे दियंती राष्ट्रपति ताकु से सिग्नेचर कर दियंती सेटा लॉ हो जाय किनु परवर्ती 6 सप्ताह भीतर से बिल ता हाउस रे पास होबा दरकार जे 6 सप्ताह नै पाला एट बेस्ट 6 मास भीतर से बिल ता हाउस रे पास होबा दरकार नन से बिल ता आपे आपे अकामी हेइ जइबो बुझि होछि ह ई होछि 6 6 कथा लेखा हेछि 6 मंथ कथा मन रखिबो एट बेस्ट 6 मंथ्स आउ प्रेसिडेंट को आउ टेकन क्षमता आछि से ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट रे उठ्रा कर नै पारिबे जो ऑर्डिनेंस लागो हेछि ताको से उठ्रा चाहले कर नै पारिबे ह तबरे अगर ई जो कंट्रोलर जनरल ने ऑडिटर जनरल कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रे ई देशर हमर सब हिसाब रखंती आंको कहती हिसाब अधीक्षक ह टोटल हिसाब ता तांके पाकरे अछि देशर हिसाब ता ह आउ के ना यूनियन पब्लिक हम जो ईपीएससी रो हम जो रहले मेंबर बा जो मेंबर बन रहले बिफोर पता मन छै कहियो चाहू छी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को रिपोर्ट आ यूपीएससी रो रिपोर्ट पार्लियामेंट आगरे जो पार्लियामेंट आगु को जो डिस्कशन पाई आसे ये राष्ट्रपति को थ्रो देकी आसे का तांको रिपोर्टा समय राष्ट्रपति की पठांती राष्ट्रपति ताको पार्लियामेंट को पठांती कदरा बुझियो छी तबरे आसीबे फाइनेंशियल पावर ये मनी बिल ता हमर अछि 110 रे मन रखिबो इंपोर्टेंट कथरा प्रेसिडेंट को जो फाइनेंशियल पावर अछि ह जे लोकसभा रे हमर फाइनेंशियल लोकसभा रे आगे आगत होगे जे लोकसभा रे जो मनी बिल आगत होबो मनी बिल आगत होबा आगुरु प्रेसिडेंट को रेकमेंडेशन नबा पड़िबो जे आगे आमे एबे मनी बिल आगत करिबो से परमिशन देले मनी बिल जाई कि आगत होबो त माने आगु मनी बिल आगत होबा आगुरु परमिशन दरकार अछि त माने कोन कहला ने तापर कोन कहू छी ही कजेस्ट बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट त माने जो बजेट हुए एटा आर्टिकल 112 रे अछि ह सेटा तांकरी नारे हुए प्रेसिडेंट को नारे बजेटटा राष्ट्र रे बजेटटा बुझियो छी तबरा आउ गुट माने आउ गुट पॉइंट से कोन कहू छी ना तांको रेकमेंडेशन बिना राष्ट्रपति कर रेकमेंडेशन बिना गोटे टंका भी राष्ट्र रो कोठी हमें ग्रांट आकर रे बा दान आकर रे देई पारिबु नाही विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट बुझियो छी तबरे जीव आउ गुट कहू छी से कंटिजेंसी फंड रु के राष्ट्रपति आर्टिकल 267 अनुसार कंटिजेंसी फंड रु माने जो फंड रे पैसा जो अछि राष्ट्र कंटिजेंसी फंड ह से कंटिजेंसी फंड रु पैसा एडवांस आकार रे आनी परिबे काई के आनी परिबे यदि हटात गुटे किछि पैसा खर्च चला हटात गुटे अनफॉर्चून एक्सपेंडिचर खर्चडा नथिला हिसाब रे हटात पैसाडा खर्च हला आर्टिकल 267 रे तांकु सेति की पावर दिया जाय छी से कंटिजेंसी फंड रु राष्ट्रपति पैसा एडवांस रे आनी के देई परिबे ह पार्लियामेंट रे आनी के डिस्कशन करे परे पैसा देई परिबे तबरे अछि ही कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमिशन से गठन करंती एटा आर्टिकल 280 रे अछि प्रत्येक 5 वर्ष रे थरे कोथि पई ना सेंटर बा केंद्र आ राज्य मध्ये रे जो कर बा टैक्स जो बंटा जाय का केंद्र राज्य मध्ये जो टैक्स ता कलेक्शन होची केंद्र राज्य मध्ये बंटा जाय ई जो बंटा जाय एथि पई राष्ट्रपति कोन करंती आर्टिकल 280 अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष रे ह गुटे कोन करंती फाइनेंस कमिशन गुटे गुटे तयारी करंती 5 वर्ष थरे मने रखिबो तबरे आसीबा जुडिशियल पावर तांकर कोन अछि ए ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट म जानि पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस और जजेस खाली चीफ जस्टिस नो चीफ जस्टिस एंड जजेस तांकु अपॉइंट दियंती राष्ट्रपति ए आ कोन जदी राष्ट्रपति कर किछि लॉ उपरे बा कोनसी घटना उपरे किछि लीगल विचारधारा दरकार हला राष्ट्रपति कर बा तांके मन रे किछि क्वेश्चन आसीला
तेबे से सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट थारु एडवाइस मागी पारिबे के राष्ट्रपति किंतु एक कथा भी मन रखिबो सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस दबो ताकु मानिबा को राष्ट्रपति बाध्य अनुमति के चाहिले मानिबे न चाहिले मानिबे ना बुझियो छी तबरे आसीबा आबुते पावर तंगण गिया हिची पार्डन रेस्पाइट रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड रेमिट और कम्यूट the sentence of any person convicted of any offence gote loko gote offence re convicted heichi jail re achi article 72 anusare manne rakhiba kata gada ko pardon ro mane man rakhibo ha ethi kono gote loko ku completely chhada kari diya jae completely taku ta dosha mukta kari diya jae eita hoji pardon man rakhibo tapare respite ro artha kon respite ro artha hoji उडे लोक जेल रे अछि इमर्जेंसी तर उडे इमर्जेंसी दरकार पड़ला आपा मरिगला त मा मरिगला इंदी उडे किछ गेला से इमर्जेंसी रे छाड़ो पाई के जीवो सेटा को आमे कहउछु रेस्पाइट रेमिशन ता गण मन रखिबो जणंकर 10 वर्ष सश्रम कारादंड होइछि 5 वर्ष ता ड्यूरेशन ता खाली कमिबो मन रखिबो हे जे रेमिशन ता होजी केवल ड्यूरेशन कमिबो जे 10 वर्ष होजी 5 वर्ष कमिबो किंतु सश्रम कारादंड जे अछि सेई सश्रम कारादंड रहइबो रेमिशन रे हे तबरे आसीबा हे और सस्पेंड आउट होची रेमिट आउट अछि मोडी कहि दउ तुमको उडा अछि रिप्राइव रिप्राइव माने जणो कोन करिवे ना स्टे इट मीन स्टे माने मन करो जणो को फांसी दे दिया आछि जणो को फांसी दे दिया आछि से फांसी दंडास्ता को बंद करिवे एटा कोन कह जाउची रिप्रीव फांसी दंडास्ता दिया जीव नै राष्ट्रपति बंद करि परिवे सेटा कह गला रिप्रीव तबरे आगुटे होइला मन रख कम्यूटेशन कम्यूटेशन माने माने कर को जणो को माने कठोर कारावास दिया जाय छी से जगह रे तार कठोर जो कहली कठोर कारावास दिया जाय छी मा सश्रम दंड दिया जाय छी हे सेटा को कोन करिबा कमेई पारिबे से कारावास जो से परिश्रम करू छी ता परिश्रम टा को कमेई पारिबे एटा को आमे कहू छु कम्यूटेशन त राष्ट्रपति कर आर्टिकल 72 रे ए भलिया अन्य मानन बा लोक मानन को बा दोषी मानन को क्षमा देवार अधिकार अछि तबरे आसीबा डिप्लोमेटिक पावर्स कोन हमरो राष्ट्र राष्ट्र मध्ये रे जो एग्रीमेंट हुए जो संधि हुए जो ट्रीटीज हुए हे ई जो नेगोशिएट करा जाय से प्रधानमंत्री जानतु से हमर जो मंत्री जानतु जो नेगोशिएट हुए ये सब गुडा को प्रेसिडेंट को ना रे हुए मन ने रखिबो हे किंतु मन रखिबे कथा प्रेसिडेंट को ना रे हुए से जिंसडा आसी कि बा जो राष्ट्र संग्र हमर से बिल ता आइछि बा राजीनामा ता आइछि एग्रीमेंट ता आइछि सेटा किंतु पार्लियामेंट रे आसी कि डिस्कशन हो बुझि बच्चो इंटरनेशनल फोरम अंतरजातीय स्तर रे हे सीए ही रिप्रेजेंट करंती जते कागज पत्र काम होउछि हमर अंतरजातीय स्तर रे हे सब राष्ट्रपति ही रिप्रेजेंट करंती हमर जते डिप्लोमेट्स अछंती से एंबेसडर होंतु हाई कमिश्नर होंतु ये समस्त राष्ट्रपति पठांती बतांकर बदली करंती मा काहा को फेरै जानंती अनुसार ई होची सब राष्ट्रपति कर काम ई होची तांकर डिप्लोमेटिक पावर भितरे जाउची बुझियौची मिलिट्री पावर कोन कहउची ई होचन तमे जानिचो राष्ट्रपति होचन सुप्रीम कमांडर कार हमर नेवी हो एयर फोर्स हो आर्मी हो ए सुप्रीम कमांडर से वार डिक्लेअर करि परिवे वार बंद करि बारे ऑर्डर बिषय दै परिवे हे आउ ई सब जिंस जो राष्ट्रपति करि बारे कथा मन रखिबो पार्लियामेंट रो अप्रूवमेंट दरकार अछि पार्लियामेंट रे से बिलटा पास होवार अछि बुझि होची तबरे आसीबा एब्सोल्युट भीटो तांकर भीटो पावर अछि राष्ट्रपति कर मन रख भारतीय राष्ट्रपति कर भीटो पावर अछि हम किंतु बहुत कम समय रे भीटो पावर लागू होई छि हे मन रख उडे अछि एब्सोल्युट भीटो कर न प्रेसिडेंट गुटे पावर दिया जाय छि हे से गुटे बिल माने मन कर गुटे बिल ता पास है कि तांक पाकु जाय छि पार्लियामेंट रु पास है कि तांक पाकु जाय छि ताकु से पके कि रखि देबे ताकु सिग्नेचर करिवे नै किछि कहिबे भी नै ताकु करेक्शन कर ताकु पूरा पके कि रखि देबे ई होची एब्सोल्युट भीटो बुझि होची हे एटी कहूची से जे बिल जे कहूची से बिल लाडी सरी गला राष्ट्रपति मा ताको पर किछि लीगल एक्शन नै होय छि भाई राष्ट्रपति जो बिल ता गटकै रखिले तबरे आसी सस्पेंसिव भीटो रे कोन राष्ट्रपति उडे बिल ताकु फेरे देबे जे पार्लियामेंट कहिबे त बिल ताकु आउथर चर्चा कर मा किछि पॉइंट उपर आउथर तमे चर्चा कर जदि से बिल ता पूणी सेई भली अवस्था रे भी माने अमेंडमेंट न होई कि पूणी पास होई जाय से बिलटा लोकसभा रे कि राज्यसभा रे बहुत दे आउछ रे सेत बेले राष्ट्रपति बाध्य होई जिवे बिलटा रे असेंट दबा एटा होची सस्पेंसिव भीटो
ए सस्पेंस भिडियो रे गोटे कथा मन रखिबो प्रेसिडेंट डजंट पजेस दिस विटो इन द केस ऑफ मनी बिल सस्पेंस भिडियोटा मनी बिल रे लागी पारिबो नाही ए क्वेश्चन परीक्षा रे पडिची मनने रखिबो ए जे मनी बिल रे सस्पेंस भिडियो लागी पारिबो ना तापर आसी पॉकेट भिडियो कोन जदि प्रेसिडेंट गोटे बिल को संशोधन करू नाहंती पठाई तांग पाक पास हेकि लोकसभा राज्यसभा ताको रिजेक्ट करू नाहंती ताको रिटर्न भी करू नाहंती लोकसभा को राज्यसभा को हां किंतु गोटे असीम समय पर्यंत बहुत समय पर्यंत बिल ताको पकेई कि रखुचंती हां बा बिल ऊपर किछि पजेडी किछि से बिल ऊपर किछि एक्शन लउ नाहंती से जगह रे एटा हो तांकर पॉकेट भिटो बुझि होची एथिरे कोनोसी लीगल एक्शन नै होबो नाही एटाई मन रखिबो बा पॉजिटिव नेगेटिव एक्शन किछि भी नै होबो नाही जदि राष्ट्रपति पॉकेट भिटो अप्लाई करकी बिल ताको पकेई कि रखुचंती इंदिरा कथा आइतला गो एग्जांपल देख देखाटी 1986 रे प्रेसिडेंट जयल सिंह थिले सेतबेले हमर प्राइम मिनिस्टर थिले राजीव गांधी से गुटे पोस्टल बिल बा गुटे पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 रे एटा बिडी क्वेश्चन दा रे पास है कि तांग पाकु जाईथिला से पका पाकु ज्ञानी जयल सिंह पाकु से प्रेसिडेंट थिले से ताकु ए पॉकेट हीटो लगेई कि ताकु पकेई कि रखिले से बिल ता इथिबे जाईथिला जे जो हमर प्रेस अछि हमर हां सेइ मानंकर फ्रीडम पाई बा तांकु केते फ्रीडम दिया जीवो एई संक्रांत रे बिल ता थिला से समय रे बिल ताके भी भारी क्रिटिसाइज करा जाईथिला बुझियो छी हां तबरे आसीबा प्रेसिडेंटियल भिटो होवर स्टेट लेजिस्लेशन तबे ए जो हमर जो प्रेसिडेंट को जो भिटोटा स्टेट लेजिस्लेशन रे भी केमति लागु हे बुझियो छी हां केमति लागु हे ना माने करो जो स्टेट लेजिस्लेशन रे गुटे बिल ता पास हला एटा गुटे एक्ट हबो बुझि परछ सेठी दुई जन लोक सिग्नेचर कले से एक्ट हे पारे से के के ना से होचन जने प्रेसिडेंट गुडे होची गवर्नर से स्टेट रे भी बिल जाई थाउ ना काई से होचन प्रेसिडेंट किंबा गवर्नर किंतु किछि कथा मन रखिबो प्रेसिडेंट को भाई किछि बिल रिजर्व रखा जाई था जे सेइटा प्रेसिडेंट ही असेंड करिवे नन अन्य अन्य बिल बडा को राज्यपाल असेंड दियंती के गवर्नर असेंड दे दियंती बुझि होची तबरे आसीबा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट करो आगुटे पावर अछि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कोई कहली ऑर्डिनेंस विषय रे आर्टिकल 183 रे प्रेसिडेंट को पावर दिया जाई छी ये गुटे ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करि परबे केतो बेले पार्लियामेंटल रिसेस रथिबा गरा कहि गासि बुझि होची टुटे कथा रा छी दिस ऑर्डिनेंस हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज ऑन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट रे एक कथा 6 मास 6 वीक भितरे बा 6 मास रे डिस्कशन बे केना कहि गासि ए एटा गुटे टेंपरेरी लॉ कहा जाय कोटा को ऑर्डिनेंस को मन रखिबो एटा गुटे क्वेश्चन दा ए किंतु एटा कथा मन रखिबो द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेजिस्लेचर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रो जति लेजिस्लेचर पावर अछि ता भितरे ए ऑर्डिनेंस मेकिंग ता होची मोस्ट इंपोर्टेंट इन नेचर ए तबे अछि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लागू करिवे एटा माने कोर्ट रे माने कोर्ट रे क्वेश्चन करी हबो जदि गुटे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट अछि बडे गंडगोलिया सब्जेक्ट अछि ए गंडगोलिया सब्जेक्ट रे हे जदि ऑर्डिनेंस लागू होई छि सेशन नथिला ऑर्डिनेंस लागू होई छि हे आ बिल ता होई छि पास होई छि बिल ता से जगह रे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हेतिले से कोर्ट ऑफ एक्शन भी हेई पारिबो हे बा कोर्ट के भी से कथा जाई पारिबो बुझि होछि तबरे आउट कथा मन लखिबो ऑर्डिनेंस को सब्जेक्ट रे लागू हुए ना जो सब्जेक्ट रे पार्लियामेंट लॉ तयारी करि पारि एकरा मन रखियो पार्लियामेंट जो सब्जेक्ट रे लॉ तयारी करि पारिबो सेही सब्जेक्ट रे ही ऑर्डिनेंस लागू होई पारिबो लास्ट हला इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट करो इमरजेंसी पावर पे डिस्कशन हो उठा छ हम नेशनल इमरजेंसी जोटा पूरा राष्ट्र सारा लागे जातीय स्तर रे लागे एटा आर्टिकल 352 रे अछि नेशनल इमरजेंसी व्यवस्था हां बा राष्ट्रपति कर जातीय स्तर रे इमरजेंसी लागू करि परिबे ए कथा आर्टिकल 352 रे अछि नंबर 2 डाउट कि इमरजेंसी राष्ट्रपति जो आउ अछि नै जो नेशनल इमरजेंसी कथा मते मु कहि 352 रे लागू हुए ये भारत स्वाधीनता हला पर ठारु आजि पर्यंत 3 थरो लागू होई छि 3 टाइम्स ओटा होछि कथा बळे नै जते बळे चाइना वार हेतिला 1962 रे सेते बळे नेशनल इमरजेंसी लागू हेतिला पुनि जते बळे पाकिस्तान वार हेतिला 1971 रे सेतबेले भी नेशनल इमरजेंसी लागू होईतिला आउ थरे होउची आम राष्ट्र रे इंटरनल डिस्टरबेंस होईतिला सेतबेले श्रीमती इंदिरा गांधी जो स्वर्गत मरियेलेनी से थिले प्राइम मिनिस्टर
ତାଙ୍କ ସମୟରେ 1975 ମସିହାରେ ବି ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା 300 Article 352। ତାପରେ ଆସୁଛେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବା ଏଟାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଟା Article 356। ମାନେ ଏ 3 Article ବା ଏ Article 356 ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସେ ପାୱାର ଅଛି, ସେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଇଏ ହେଉଛି 360। ଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ'ଣ ନା, ଆଜି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ଯିବ? ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଅଧିକା ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଦରମା କାଟ ହେବ, ଏବଂ ସେ କଟା ଦରମା ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ପିରିୟଡ଼ରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲାଗୁ କରିବେ, Article 360 ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି କଥାଟା? ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଭାରତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ ହେଇନାହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ। ସୋ ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।